देखो यार, अगर तुम लोगों ने आज 8 व्यू का डायनामाइट शो नहीं देखा है तो गाइज तुम लोगों ने ऑर्गुली 8 व्यू का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मूव मिस कर दिया है, क्योंकि गाइज आज 8 व्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहां पर 8 व्यू का वुमन चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर 8 व्यू की वुमन चैंपियन सरिया 8 व्यू का वुमन चैंपियनशिप हमें यहां पर टोनी स्टॉर्म के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देती गई। और इन दोनों की आज यहां पर इस मैच के ओपनिंग के ऊपर टोनी स्टॉर्म सरिया को हैंडशेक ऑफर करती गई, जिसके बाद कि यहां पर टोनी स्टॉर्म पर एंग्री होते हुए सरिया यहां पर मल्टीपल स्लैप लगा देती गई। और गाइज इसके बाद मैच के ओपनिंग के ऊपर ही रूबी सोहो इस मैच को रेफरी पर डिस्ट्रैक्ट करती गई, जिसका फायदा उठाकर सरिया टोनी स्टॉर्म को बढ़िया से पेल देती गई। बट गाइज और बात करें यहां पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो आज यहां पर ओवरऑल इस पूरे मैच के अंदर दोनों रेसलर्स के हील होने के बावजूद भी टोनी स्टॉर्म के मुकाबले सरिया मैच के अंदर ज्यादा चीटिंग करती गई। और गाइज इसी चीज से परेशान होकर टोनी स्टॉर्म एक टाइम पर रूबी सोहो पर मल्टीपल सैंडल से अटैक करती गई। बट इसके बाद मैच के एंडिंग पर जो होता है वो यहां पर काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि गाइज मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर टोनी स्टॉर्म सरिया को बीट करने के लिए हमें यहां पर रिंग के बीच में सरिया को किस करते हुए दिखाई देती गई, और सरिया को किस करने के बाद टोनी स्टॉर्म उनका फिनिशर लगाती गई। बट गाइज यहां पर सरिया किक आउट कर जाती गई, जिसके बाद की मैच के एंडिंग के ऊपर रूबी सोहो सरिया को स्प्रे पास करती गई, और उसी स्प्रे का यूज करके आज AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर सरिया टोनी स्टॉर्म को बीट करके रिटेन करती है AEW का वुमन चैंपियनशिप।